अब अपने लगता है नहीं गुरुदेव की भक्ति होनी चाहिए, तो हम पूछ रहे हिंदुस्तान में कितने लोग हैं जो रोज महावीर भगवान को अर्घ चढ़ाती हैं या पूजा करती हैं? 100% लोग रोज महावीर भगवान की पूजा करती हैं वर्तमान शासन नायक, तो भक्ति नहीं है। आज उन्हें पार्श्वनाथ की पूजा कर ली तो भक्ति नहीं, आदिनाथ की पूजा कर ली तो भक्ति नहीं महावीर की। कितनी सोच खराब। अरे जैन शासन विश्वव्यापी है, व्यक्ति व्यापी नहीं है। जैसे आपने नमो अरिहंतानम बोल दिया उसमें सारे भूत भविष्य तीर्थंकर आ गए तीर। तो क्यों तो भावी तीर्थंकर सूर्य कीर्ति नहीं आए इसमें? आचार्य का नाम आईडियाणम में आ गया, सब क्या अलग से एक एक नाम थोड़ी लेते। क्यों तुम सभी जब दर्शन करते हो तो नमो आईडियाणम बोलते हो, तो ऐसे बोलते हो नमो आचार्य कुन कुन अमृतचंद शुभ चंद एक एक नाम दे। तो तुम्हें भक्ति नहीं इसका मतलब? क्यों नहीं, मैंने बहुत कॉमन सेंस की बात है। मैंने हम तीन लोग के सारे तीर्थंकर को मान लें, केवल एक नाम को नहीं मानेंगे तो हम जैन शासन से बाहर मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। क्यों? अरे प्रभु ऐसा नहीं है, जैन शासन में पद की स्वरूप की महिमा है, व्यक्ति के नाम की महिमा नहीं है। हम एक बात कह रहे, जब भरत चक्रवर्ती नाम लिखने गए, बता कहाँ गए सारे तीर्थ चक्रवर्तियों के नाम? पता ना पिछले तीर्थंकर की चौबीसी के पहले तीर्थंकर की चौबीसी के नाम कहाँ है बता दें, और कौन कौन से गढ़धर के नाम याद है बता देना। 1284 गढ़धर हो, कितने हो गए टोटल मिला करके, कितने हो गए सब तीर्थंकर हो, तुम कितनों के नाम मारे? अब ये जो जो तुमने को नए नाम रख लिए ये भी काल के ग्राम में समझ आएंगे। क्या था हमने पंच परमेश्वर के नामों का नाम पढ़ दिया, विश्व में कोई नहीं बचा। नहीं नहीं तुम्हारा नहीं पहुंचेगा, तुम्हारा नहीं पहुंचेगा, तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा, तुम्हें उपकारी का उपकार नहीं आता। अरे बड़े कौन सी ग्रंथ में लिखी परिभाषा, ध्यान है ना, अपन अपने लिए कह रहे हैं किसी के लिए नहीं कह रहे, अपन समझो। हम तो करना कर लो प्रतिष्ठित, हमारा क्या फर्क पड़ रहा है? हमारा परिणाम तो पहले से ही जा रहा है, हम तो उनकी भी छोड़ दें। तुम प्रतिदिन अपने को और चढ़ाती हो क्योंकि भाविष्य तुम भी तो अपन जब आगे चढ़ाती और अपने को भी चढ़ाती, इससे क्या फर्क पड़ता है? फिर से कह रहे हैं हम निरपेक्ष रहो। क्यों? यदि वस्तु का परिणाम में ये भी होना तो ये भी होगा, हमें उनसे द्वेष इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अंदर से इतना सारी द्वेष नहीं हो रहा किसी से। बच्चे हैं खेलते रहते हैं। बचपना है, पहले गुणस्थान का बचपना है, नाम और जी और वो सबको पता है किसका नाम रहेगा किसका नहीं रहेगा। हाँ वो काम जरूर करो जिसके बिना सम्यक दर्शन ना हो। गुरुदेव की पूरी महिमा इस बात में है, गुरुदेव का पूरा उपकार इसमें है कि जिसके बिना सम्यक दर्शन नहीं हो वो ध्रुव को जानो, उसका निर्णय करो। प्रथम में प्रथम तू आत्मा को जान, ये करने लायक।